इसको भाई टच कर जरा, इसको टच कर। अंकल इसको ना इसी बोलते खा, इसको पीले वाले को खा ना, खा रे खा ना खा। तो नहा धोकर रेडी भी हो चुके हैं और बैग भी पैक हो चुका है। बाहर का मौसम भी आज बिल्कुल साफ और क्लियर है। आज कोई मौसम ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश की संभावना है, ना बादल लगे हुए हैं। कल चेकअप करने का टाइम हो गया है, तो चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं आपको मंदिर में क्या क्या हो रहा है। और बाबा केदारनाथ की जो डोली यात्रा है आज गुप्तकाशी से फाटा के लिए जाएगी, जो कि 14 किलोमीटर का सफर होने वाला है। इसमें भी हम ट्रैकिंग करके ही जाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी यात्रा चालू भी नहीं हुई है, जाम लगना चालू हो गया इस रोड पर। ये रोड है फाटा, भी पहुँच चुके हैं हम फाटा पे। तो भाई ये रहा फाटा मार्केट, हम पहुंच चुके हैं करीबन डोली से 1 घंटे पहले, क्योंकि होटलों की बहुत मारा मारी है यहाँ पर, इसलिए हमने होटल आके पहले ले लिया। डोली आने में करीब 1 घंटा और बचा है। इसे दिख रहा है आपको, वो उधर रुकेगी आज डोली। ये डोली का दूसरा पड़ाव है, तीसरा पड़ाव होगा गौरीकुंड में। गौरीकुंड में कल सुबह जहाँ से डोली उठेगी और सीधा जाएगी गौरीकुंड। तो गौरीकुंड में भी यात्रा के साथ रहेंगे हम। जिनके पास अपने खुद के साधन हैं, गाड़ी कार बाइक, वो लेके आ रहे हैं पहले, क्योंकि इधर पूरे होटलों की बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है और रहने की व्यवस्थाएँ बिल्कुल जीरो हो गई हैं इस समय। और जो होटल्स के रेट हैं वो भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये हो गए हैं। और अभी देखिए गाड़ी आती जा रही है सामने से, और अभी यात्रा चालू नहीं हुई और जाम लगना चालू हो गया। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से पूरे होटल बुक हो गए हैं और खाने पीने की व्यवस्था बहुत सारी है, लेकिन रहने की व्यवस्था ठप सी नज़र आ रही है मेरे को यहाँ पर, क्योंकि 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार के रूम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। और उससे पहले हमारे एक भाई मिल गया था, हमने उससे रूम ले लिया, तो ये रूम पड़ा हमको 1000 रुपये में 3 बेड। और हमें 2 भाई और जुड़ गए हमारे साथ, जो कि हैं अमरावती से। रातों बनाएगा ना, रातों बनाएगा। डोली आने के कुछ टाइम पहले ही हल्की फुल्की बारिश होने लगी है यहाँ पर। देखते हैं डोली का स्वागत कैसा होता है यहाँ। का तूने खुद पिया, नमो नमो शंकरा, बोले राम शंकरा, जयदेव नाम शंभुरे शिवाय शंकरा, नमो नमो शंकरा, बोले राम शंकरा, सूर्यदेव रे महेश्वरा। और इसी रास्ते से आनी है डोली, और लगभग पहुंच चुकी है डोली। और डोली से पहले आने वाले जो भक्त हैं, डोली के साथ चलने वाले, वो भी आ रहे हैं। की डोली देखिए आ रही है। अभी आर्य बैंड साथ में चल रहा है, जो कि 2 दिन से बराबर साथ में है आर्य बैंड। इस बार भी बाबा की डोली की अगुवाई आर्य बैंड करता है। तो दर्शन करिए आज के बाबा की डोली का जो छत्र है, वो छत्र भी है। और बहुत सारे साधु संत हैं जो बाबा की डोली के साथ चल रहे हैं। महादेव महादेव महादेव। बोले बोले बोले। तो आज के तीसरे पड़ाव तक बाबा की डोली पहुंच चुकी है, यानी कि फाटा में बाबा की डोली एंटर कर चुकी है। और आज का पड़ाव होगा फाटा, और कल बाबा की डोली फाटा से जाएगी गौरीकुंड के लिए। और ये विश्वास दिलाऊंगा कि बाबा केदार को आशीर्वाद हमेशा। बोलो एक बार जोरदार तालियां। मेरा बेटा तो कल इसी रास्ते से होते हुए बाबा केदारनाथ की डोली गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करेगी। और उत्तराखंड सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं मिल रही हैं डोली में। डोली यात्रा में जितना भी खाना पीना रहना सब कुछ सब उपलब्ध कराया गया है। हजारों लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ तक, मतलब होटल बिल्कुल एंड में उधर और इधर तक पूरी लाइन लगी है गाड़ी की। आप सोच सकते हैं कितनी क्राउड होने वाला है कल। और ये तैयारी है, डंडी कंडी जा रही है ऊपर, देखिए गाड़ी के रख के। ये सीधी यात्रा में जाएंगी कल से, क्योंकि कल से यात्रा, परसों से यात्रा, मेन यात्रा चालू होगी। तो जो गाड़ी है रात में खड़ी हुई थी, अचानक से एक साइड से डिवाइडर में टकराई और नीचे पहुंच गई सीधी। और पता नहीं इसमें क्या हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, कोई बचा कि नहीं बचा। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। अभी ये डिवाइडर थे यहाँ पे, पुल टूट गई। और सामने बस देखिए बर्फ के पहाड़, कलिनी के पार जाने वाले हैं हम लोग। इन्हीं बर्फ के पीछे पहाड़ों के इन्हीं पहाड़ों पे पड़ी हुई बर्फ के पीछे जाने वाले हैं कल हम। अभी धुंध है इसलिए प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भाई बहुत गजब है। आपने पिछली वीडियो में देखी, जब तिरजू की नान वाली वीडियो में, पहाड़ वही पहाड़ है ये। इसको भाई टच कर जरा, इसको इसको टच कर अंकल क्या है ये, है क्या, कैसा रहता है? 24 घंटे तक गन करता रहेगा। अच्छा। कर रहा है। मैंने ऐसी टच घंटे तक मजा आ गया। शुक्र कर ढंग से टच नहीं किया तूने, नहीं तो तरीके से तेरे को कल तक बुखार नहीं जाता इसका। बहुत डेंजर होता। सोच इसकी सब्जी बनाए खाते हैं यहाँ पे, ये पेड़ लग रहा है जैसे जैसे चलते हैं जैसे शौक लगा एकदम से करंट। इसकी सब्जी बनाए खाते हैं ये लोग यहाँ पे, मतलब चमीटे से पकड़ के तोड़ते हैं, गलाते हैं पानी में। इंसान गिर जाएगा। नहीं ऐसे में नहीं, मतलब जी तो अभी गंदे में लगी हुई, साफ सुथरी जगह भी लगी रहती है और उसमें सब्जी बना के तोड़ लेते हैं। नॉर्मल कुछ पत्ता होगा सब्जी नहीं हो सकता है सब्जी है, लेकिन हकीकत पता चल गई अभी हुआ ना तेरे को। हाँ। इसको ना इसी बोलते खा के, इसको पीले वाले को खा, कसम से माँ कसम खा, माँ कसम, अरे माँ कसम खा रहा हूँ खाने की होती है, अरे माँ कसम खा रहा हूँ खाने की होती, खा एक बार टोड़, चल मेरे लिए टोड़, चल टोड़ मेरे लिए तोड़, अरे कुछ नहीं होगा, माँ कसम इसूल बोलते हैं, पीला खाने का होता है आराम से। हाँ आराम से, कुछ नहीं होगा उसको, तोड़, अरे नहीं होगा ना तोड़ना, तोड़ 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 तोड़ना, अरे तोड़, कुछ नहीं होगा भाई, तोड़ तोड़ थोड़ा खाओ उसको अब। अरे खाना खा, अरे खाना खा, अरे खाना खा। करंट लगा? करंट नहीं है, खट्टा लगा होगा, बेर जैसा लगा होगा, ये खाते हैं यहाँ पे। करंट क्यों लगा? हर चीज में करंट, करंट नहीं खट्टा लगा, बेर, अरे जब बेर होता है यहाँ की, ये बेरी है यहाँ की। अरे पहले गुटका खाया तो अलग महसूस। अरे नहीं नशेगी नहीं यार, नशेगी नहीं है इस, मतलब ऐसा इसे इसूल बोलते हैं। अपने यहाँ बेरी होती ना छोटी छोटी ऐसी, यहाँ पे ये होती है पीले कलर की।